कितनी सुंदर लग रही है ना ये हरी भरी सी सब्जी। जो वेजिटेरियन होते हैं ना उन्हें सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि हमें जो हमारे शरीर में प्रोटीन या विटामिन्स मिलते हैं ना वो इन्हीं से मिलते हैं। इसलिए जितना हो सके हमें हरी सब्जियों का यूज करना चाहिए, और उन हरी सब्जियों से भी हम बहुत टेस्टी अमेजिंग रेसिपीज बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिक्स वेज की सब्जी, जो बेहद टेस्टी है, और ऐसा मिक्स वेज ना आपको रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा, ये गारंटी है, क्योंकि मैं बहुत टेस्टी मिक्स वेज बनाती हूँ और मैंने ट्राई किया है रेस्टोरेंट्स में भी, इतना टेस्टी वो मिक्स वेज नहीं देते हैं। तो यहाँ मैंने गोभी लिया है 1 कप, 1 कप शिमला मिर्च, 1 कप गाजर, 1 कप बीन्स, और ये प्याज 2 मीडियम साइज़ के, 8-10 लहसुन के टुकड़े, 1 इंच अदरक और 2-3 मिर्च, मिर्च आप अपने हिसाब से लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को हमें प्यूरे बनाना है, और 3 टमाटर लिया है उसका भी प्यूरे बनाना है, और ये काजू है जिसे मैंने थोड़ा सा दूध में भिगो दिया है इसका भी हमें प्यूरे बनाना है। तो हमें 3 तरह का प्यूरे तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें सब्जियों को ना सॉफ्ट करना होता है। तो एक कढ़ाई में कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए जो आप खाते हो, 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून, या जितना ऑयल आप खाते हो, कोई बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाने की भी ज़रूरत है, तो 2 चम्मच तेल काफ़ी होगा। सारे सब्जियों को अच्छे से इसमें डालकर पहले गोभी डालना है। क्यों पहले गोभी डालना है? क्योंकि गोभी भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो गोभी को थोड़ा भूनने के बाद उसके बाद आप उसमें बीन्स डालिए, और गोभी और बीन्स जब लगने लगे ना कि गोभी और गोभी के ऊपर ब्राउन स्पॉट आने लगे हैं, तब आप बाकी सब्जियों को डाल दीजिएगा। ये देखिए ब्राउन स्पॉट आने लगे ना, अब आप बाकी सब्जियों को डालिए, क्योंकि कैप्सिकम और गाजर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब आती है बारी गाजर और कैप्सिकम की। इन सारे सब्जियों को हमें अच्छे से भूनना है, और इन्हें इतना भूनना है कि मतलब ये पक जाएं। इनको भूनने में ना 7 मिनट का समय लगता है। तो नमक अगर हम डाल देंगे ना इसके ऊपर तो ये जल्दी से गल जाएंगे, क्योंकि बाद में हमें सब्जियां ज़्यादा नहीं पकानी होती हैं, इसी स्टेज पे सब्जियों को पकाना होता है। तो नमक डालने के बाद फ्लेम को आप कम कर दीजिएगा ताकि सब्जी जले नहीं, और इसको चुपचाप 7 मिनट के लिए ढककर बिल्कुल कम आँच पे छोड़ दीजिए। 7 मिनट के बाद जब आप देखोगे ना ये सब्जी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी होगी, दिख रही है ना, बिल्कुल गल गई है। तो ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए, सब्जियां बिल्कुल पक गई हैं, अच्छी हो गई हैं। और अब बारी आती है इन्हें बाहर निकालने की। तो आपको कढ़ाई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कढ़ाई में हम सारा प्रोसेस बहुत ही इजीली से कर लेंगे। तो अब इसमें जाएंगे, थोड़ा सा तेल आप ले लीजिएगा 1 चम्मच। 1 चम्मच तेल में जाएगा 2 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 2 लौंग, चुटकी भर जीरा। ये गरम मसालों से ना इस सब्जी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मैंने आपको बताया था ना प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्च को पीस लेना है, तो ये उसी का मिक्सचर है जो मैंने पीस लिया है। इस मिक्सचर को ना हल्का गोल्डन ब्राउन हमें भूनना है ताकि प्याज और लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और जब मसाले भून जाएँ, आपको लगने लगे कि हाँ हम मसाले हल्के गोल्डन हो गए हैं, तो उसी स्टेज पे आँच को कम करना है। मसालों को भूनते समय हमेशा आँच कम रहना चाहिए, तो मसाले जल जाएंगे। तो आँच को कम करने के बाद डालिए उसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सारे मसालों को आप अच्छे से भून लीजिए। लगभग मसालों को भूनने में 2 मिनट लगता है। आंच को लो रखिएगा क्योंकि मसाले सूखे हैं, जल जाएंगे। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि जब भी हम मसालों को लो आंच पे भूनते हैं ना, तो उसका सारा मतलब अरोमा जो है वो पूरा अच्छे से निखर के आता है, वो जलता नहीं है, बिल्कुल सोना सा खुशबू हो जाता है, और वो बिल्कुल परफेक्टली भुन जाते हैं। तो मसालों को कम आंच पे भूनने के बाद आप उसमें तब डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 मिनट भूनने के बाद उसमें डालिए टमाटर का प्योरे। मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 छोटे साइज़ का टमाटर लिया था, उसका मैंने प्योरे बना लिया है, और इसको भी हमें इसके साथ अच्छे से भूनना है।
कब पता चलता है कि टमाटर और मसाले दोनों भून गए? जब आपको दिखने लगे कढ़ाई में ना कि मसाले तेल छोड़ रहे हैं, तब आपको समझना चाहिए कि हाँ, इस स्टेज पे मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं और टमाटर भी भून चुके हैं। तो मुझे अब लग रहा है कि मेरा जो टमाटर है और मसाला है वो दोनों अच्छे से भून चुके हैं, थोड़ा बहुत तेल छूटने लगा है। तो इस स्टेज पे हमने जो काजू का प्योरे बनाया था दूध के साथ, वो हम यहाँ मिक्स कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि जो मिक्स वेज का रिचनेस है, जो टेस्ट है ना, वो काजू के प्योरे से ही आता है। अगर अगर आप काजू नहीं खाते हैं ना, तो यहाँ पे आप क्रीम का यूज कर सकते हैं। क्रीम अगर आप पको बाहर से नहीं खरीद के लाना है, तो जो दूध की मलाई पड़ती है ना, उसको फेट कर आप यहाँ यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सेम वही टेस्ट आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा टेस्ट में। और यहाँ मैंने डाला है कसूरी मेथी 1 चम्मच, उसको मैं अच्छे से आप हाथ में रगड़ के तब डालिए, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कसूरी मेथी डालने के बाद पहले भी नमक डाला था, तो यहाँ भी थोड़ा नमक जाएगा। तो नमक का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कितना डालना है, क्योंकि हमें यहाँ भी नमक डालना है। नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि सब कुछ पक गया है, तो ये जो कटोरी थी ना जिससे मैंने काजू का प्योरे डाला था, उसी कटोरी में मैंने थोड़ा सा लगभग 2 टेबल स्पून पानी लेकर इसमें डाल दिया है। तो ज़्यादा पानी मत डालिएगा, ये पानी पानी अच्छा नहीं लगता है। पानी की ज़रूरत पड़े ना तो बस 2 टेबल स्पून पानी इसमें डालिएगा। पानी डालने के बाद मैंने यहाँ डाला है जो मैंने सब्जियों को भून के रखा था वो, और थोड़ा सा मैंने पनीर के क्यूब्स रखे थे, मैंने उसको भी डाल दिया। मिक्स वेज है तो पनीर इसमें जाता है, बहुत अमेजिंग लगता है। तो अगर आपके पास भी पनीर हो तो आप भी ज़रूर इसमें डालिएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस हो चुका है, और हमने क्योंकि इसमें अभी सब्जियां मिलाई है ना, तो थोड़ा सा मसाला और सब्जियों को एक साथ लटपट सा होने के लिए ना, हमें इसे कुछ देर ढक के रख देना चाहिए। लेकिन आँच को कम करके कितने देर रखेंगे, 3 मिनट काफ़ी होगा। 3 मिनट में ना ये सब्जियां और मसाले सारे एक साथ मिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल फ्लेवर आ जाएगा। और 3 मिनट के बाद ये बिल्कुल इस तरह से बन के तैयार है। मैं आपको बता दूं कि मिक्स वेज जो सब्जी होती है ना, ये सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती है अजवाइन की पूड़ियों के साथ। रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, पराठे के साथ भी, और चावल के साथ भी। लेकिन मैंने आपको बताया जो बेस्ट जाता है ना, वो अजवाइन की पूड़ियाँ होती हैं, उसके साथ ये माइंड ब्लोइंग लगती है। तो आप कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तब आप इसको बना के ले जाओ, आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। तो ये बिल्कुल मिक्स वेज, परफेक्ट मिक्स वेज तैयार है, इतना टेस्टी है ये। और अगर आप इस तरह से मिक्स वेज बनाओगे ना, बना के देखना एक बार, और एक बार रेस्टोरेंट से मंगा के देखना कितना फ़र्क है। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिएगा।